मथुरा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत मथुरा वृंदावन नगर निगम ने विवाह समारोह का आयोजन बीएसए इंजीनियरिंग कॉलेज में आयोजित किया, जिसमें 36 जोड़े और एक मुस्लिम जोड़ा एक दूसरे के साथ परिणय सूत्र में बंध गए। जिला समाज कल्याण अधिकारी नगेंद्र पाल सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में मथुरा जिले से 170 जोड़ों ने पंजीकरण कराया था। सामूहिक विवाह जिले के सभी ब्लॉक मथुरा वृंदावन में नगर निगम छाता एवं चौमुहा, गोवर्धन ब्लॉक मांट एवं नौह झील, फराय राया, बलदेव एवं नंदगांव में आयोजित कराए गए हैं। इसमें प्रति जोड़े के लिए 51,000 रुपए खर्च किए गए हैं। इसमें 35,000 कन्या के खाते में, 10,000 में गृहस्थी का सामान, 6,000 रुपए विवाह कार्यक्रम पर खर्च किए जाएंगे। मथुरा वृंदावन नगर निगम के नगर आयुक्त अनुनय झा, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व ऊर्जा मंत्री एवं मथुरा वृंदावन के विधायक पंडित श्रीकांत शर्मा, मथुरा वृंदावन नगर निगम के महापौर डॉक्टर मुकेश आर्य बंधु ने परिणय सूत्र में बंधे जोड़ों को प्रमाण पत्र दिए और आशीर्वाद के साथ विवाह समारोह संपन्न कराया। सन 2014 से जब से हमारी सरकार बनी है, तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार का जो नारा था, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, उस पर हमारी सरकार खरी उतर रही है। आप देखते होंगे कि गरीबों के लिए फ्री अनाज, क्योंकि कोरोना बड़ी तेज़ गति से रहा, लोग बाग बहुत लोग इस दुनिया से चले गए, काफ़ी लोगों के रोजगार छूट गए, तो हमारी सरकार ने फ्री अनाज की व्यवस्था करी। गरीबों को फ्री अनाज पहुंचना चाहिए और वो दस्तूर हम दे रहे हैं। उसके बाद में गरीबों के लिए नौकरी की व्यवस्था हमारी सरकार कर रही है। अब हमारी सरकार ने ये भी कर दिया है, पिछले 3 साल से आप देख रहे होंगे, किसी गरीब की कन्या कुंवारी ना रह जाए, इसके लिए ये व्यवस्था की है कि हमारी सरकार के द्वारा कन्याओं, गरीब कन्याओं का विवाह भी होना चाहिए। इसके लिए हम 3 साल से लगातार विवाह कर रहे हैं। इसी प्रांगण में पिछली साल जो है 86 कन्याओं का विवाह हुआ था, उससे पहले वृंदावन में 16 कन्याओं का विवाह किया था, और अब यहाँ 37 कन्याओं का विवाह हो रहा है, जिसमें हमने उनके लिए 51,000 रुपये की व्यवस्था की है। 51,000 रुपये में 35,000 रुपये सीधे कन्या के खाते में जाएंगे, 10,000 रुपये उसके सामान के लिए दिए गए हैं, और 6,000 रुपये में जो व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं, इस तरीके से 51,000 रुपये प्रत्येक कन्या के खाते के लिए है। तो ये हमारी सरकार व्यवस्था कर रही है। गरीब कल्याण के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, वचनबद्ध है, और गरीब को हमारी सरकार ने एक सुरक्षा कवच दिया है, उसको पक्की छत दी है, आयुष्मान का कार्ड दिया है, उसके लिए बिजली दी है, पानी दिया है, राशन कार्ड दिया है, राशन मिल रहा है सबको, किसान सम्मान निधि से लाभान्वित किसान हो रहे हैं, और अब गरीबों की जो बेटी विवाह योग्य हो रही हैं उनका कन्यादान भी सरकार कर रही है। प्रत्येक जोड़े को 51,000 की राशि सरकार की तरफ से दी जा रही है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत आज यहाँ शादी का कार्यक्रम चल रहा है, तो ये सरकार पूरी तरह से गरीबों के लिए समर्पित हमारी सरकार है, और गरीब कल्याण की योजनाओं के साथ साथ जो बेटियों का विवाह है, जो एक बड़ा ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखें तो बड़ी चिंता माँ बाप को होती है कि हमारी बड़ी बेटी हो रही है, उसका विवाह कैसे होगा, तो उसका चिंता का निवारण भी हमारी सरकार कर रही है। तो जितने भी जोड़े हैं आज यहाँ आए हैं, उन सबको हमारी शुभकामनाएं, उनका खूब जो वैवाहिक जीवन है वो बहुत खुशहाल रहे। मैं पहली बात तो अपने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी को बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिस दिन से कोरोना काल खत्म हुआ है, कोरोना काल में जो लोग परेशान हुए थे, उसी दिन मुख्यमंत्री जी ने सोच लिया था कि ऐसे गरीब लोगों को अनाज देने का काम किया। जिन लोगों की बेटियाँ बिना शादी रह गई थी, उनकी शादी करने का काम किया और आगे तक चलता रहेगा। ऐसे मुख्यमंत्री न हुए न आगे होंगे। मैं मुख्यमंत्री जी को बड़ा बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ कि किसी भेदभाव को न लेकर, हर कौम के लोगों को लेकर ये समा ब्याह कराया, हमारी कौम के लोगों को भी निकाह कराया, इससे पहले भी कराए थे।